हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, कह रहा है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे इसका कैसे, देखिए। सॉल्यूशन, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक लगाना है। एक तो इसको डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए ये न्यूमरेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये न्यूमरेटर को अंदर लिखोगे और ये डिनोमिनेटर को बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब इसे भाग दे दो आप लोग, छेतियाँ 18, क्या बचा यहाँ पे 2, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनेगा, देखिए 20/3, और मिक्स्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 अपनी जगह पे रहेगा यहाँ, और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 2 बचा है रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। इसी तरह इसे भी देखते हैं, बी को भी। देखिए इसमें भी क्या करोगे आप लोग, ये ऊपर वाले को अंदर लिखना है और बाहर में कौन सा लिखोगे, डिनोमिनेटर को। अब 5 × 2 = 10 है ना, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बच गया घटाने पे। तो फिर इसका भी लिखेंगे हम लोग 11/5, ठीक है। ये सब इम्प्रॉपर में दे रखा है तो हम लोग मिक्स्ड बना रहे हैं। तो क्या करना है, ये फिर 5 अपनी जगह पे ही रह जाएगा, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 उठ के ऊपर आ जाएगा। क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है अपनी जगह पे ही रहता है, और जो इसका कोशेंट आता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और रिमाइंडर क्या होता है, ऊपर रह जाता है। तो 5 × 2 = 10 और 1 = 11 ऐसे हो जाता है। 6 × 18 = 19/20। अब एक ये 17/7 है, इसको भी देखते हैं। तो इसको भी अब पता चल ही गया आपको, ये अंदर लिखना है ऊपर वाला और नीचे वाला बाहर। 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21, तो 2 पे कट जाएगा, 7 × 2 = 14, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर मिक्स्ड जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17/7 = 7 अपनी जगह पे, डिनोमिनेटर की जगह पे ही रहेगा, और 7 × 2 = 14 और ये 3 आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सब मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।